देवी और मैं हूं पूजा सहानिया। खबरों के सफरनामे में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में किसानों के प्रदर्शन का आज तीसरा दिन परंपरागत डांस के जरिए जता रहे हैं विरोध। ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन जारी, प्रदर्शन में महिलाएं भी हैं शामिल। किसानों के मार्च को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग करने पर कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने गवर्नर के फैसले पर उठाए सवाल। गवर्नर बोले, खरीद फरोख्त रोकने के लिए विधानसभा भंग करना था जरूरी। जम्मू कश्मीर में गवर्नर के फैसले का बीजेपी ने किया समर्थन, कहा सत्ता के लिए विपक्ष कर रहा था अनैतिक गठबंधन। सीलिंग मामले पर मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, चेतावनी देकर छोड़ा। राजस्थान के चुनावी रंग में नामांकन लेने का आज आखिरी दिन। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव में झोंकी ताकत, आने वाली 7 तारीख को डाली जाएंगी वोट। राजस्थान के चुनावी जंग की कमान संभालेंगे पीएम मोदी, 25 नवंबर से होगी ताबड़तोड़ रैलियां। यूपी के हापुड़ में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे 250 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ, जनसभा करेंगे संबोधित। बिहार के सोनपुर में शुरू हुआ दुनिया का मशहूर पशु मेला, डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया उद्घाटन। सरकार की मांग के मुताबिक व्हाट्सएप ने एक भारतीय को नियुक्त किया इंडिया हेड, अभिजीत बोस को बनाया पदाधिकारी, अभिजीत संभालेंगे कमान। बेंगलुरु में दीप वीर की रिसेप्शन पार्टी, थोड़ी ही देर के लिए कैमरे में आए दीपिका और रणवीर। अभिनेत्री नेहा धूपिया बनी माँ, बेटी को दिया जन्म। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने चुकाया किसानों का कर्ज, यूपी के 1398 किसानों के चुकाए लगभग 4 करोड़ रुपए। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह का जन्मदिन आज, पार्टी में सेलिब्रेशन जारी। दूसरे T20 के लिए मेलबर्न पहुंची टीम इंडिया, होटल के बाहर फैंस ने किया जोरदार स्वागत। देखते रहिए फेलिसिटी टीवी।